भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली ने चलाया विस्फोटक बल्ला। जी हां, पहला दूसरा शतक नहीं बल्कि 13 शतक जड़कर रच दिया इतिहास। आज से 80 साल 100 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी कि मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली ने 300 रन बना दिए, जहां पर हर किसी को आश्चर्यचकित लग रहा था। आप सभी को बता दूं कि रोहित शर्मा हिटमैन और विराट कोहली रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले क्रिकेट इंडिया टीम की आज इतनी खुखार विस्फोटक बल्लेबाजी की जिसको देखने के बाद हर कोई चौंक उठा। यहां तक साउथ अफ्रीका के गेंदबाज हिटमैन रोहित शर्मा के आगे और विराट कोहली के आगे पानी भरते हुए नजर आए। विराट कोहली ने शतक अर्धशतक नहीं दोहरा शतक नहीं बल्कि 13 शतक यहां पर जड़ दिया, जिसको देखने के बाद हर कोई एक बार हैरान था। यहां तक क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, कुमार सूर्य कुमार यादव भी और हार्दिक पांड्या भी यह मुकाबला देखकर हैरान थे कि आखिरकार अभी तक भारत वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच एक भी टेस्ट मैच अगर खेला गया है तो उसमें अभी तक अर्धशतक की तो बात छोड़ो, किसी ने अभी तक शतक भी नहीं जड़ा है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि विराट कोहली एक ऐसा बल्लेबाज है जिसने अपना कहर ऐसा बरसाया, शतक पर शतक ठोककर यहां पर 13 शतक जड़कर साउथ अफ्रीके को छठी का दूध याद दिला दिया। आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट मुकाबला दिखाने जा रहे हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। भारत वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच पहला ये टेस्ट मुकाबला जो है साउथ अफ्रीका के ग्राउंड पर खेला गया, जहां पर यह मुकाबला काफी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक मुकाबला था। आज विराट कोहली ने वर्ल्ड कप की हार का यहां पर बदला लिया है, क्योंकि यहां पर 100 नहीं 200 नहीं बल्कि 308 रनों की नाबाद पारी खेली और महज 127 गेंदों में। हर कोई ये सोचकर और देखकर हैरान हो गया होगा। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, आपको लाइव हाईलाइट मुकाबला दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर बल्लेबाजी करके विराट कोहली ने 13 शतक जड़कर इतिहास में अपना नाम रोशन कर लिया है और आज से 100 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप सभी को बता दूं कि भारत वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने जीती, जहां पर बाजी जीतने के बाद काफी ज्यादा खुश भी हुए वो। लेकिन टॉस की बाजी जीतने का मतलब यह नहीं कि आप मुकाबला जीत गए हो। टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी चुनी और बल्लेबाजी का न्योता भारतीय टीम को दिया। भारतीय टीम की तरफ से खुखार विस्फोटक हिटमैन हमारे रोहित शर्मा और सुमन गिल सबसे पहले हमेशा की तरह विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे और काफी अच्छी शुरुआत भी हुई, लेकिन सुमन गिल सिर्फ 37 रन बना करके आउट हो गए, जहां पर रोहित शर्मा को काफी खलल हुआ, क्योंकि रोहित शर्मा जान गए थे क्योंकि धुआंधार विस्फोटक बल्लेबाज आउट हो चुका है, इसका मतलब स्कोर ज्यादा खींचेगा नहीं। लेकिन रोहित शर्मा ने अपने आप को संभाला और यशस्वी जायसवाल के साथ विस्फोटक खतरनाक खुखार तरीके से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। यशस्वी जायसवाल भी काफी खुखार विस्फोटक बल्लेबाज, जिन्होंने T20 मुकाबले में काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में, और यहां भी अच्छा गया। आप सभी को बता दें कि महज 51 गेंदों में 123 रन की नाबाद पारी खेले यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल के कैच आउट होने के बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा खुद आए। अब आप सोचेंगे कि रविंद्र जडेजा इतनी जल्दी क्यों आ गए, क्योंकि रविंद्र जडेजा भी काफी खुखार विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज भी है। रविंद्र जडेजा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को धोने के लिए, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने आपको बता दूं कि यहां पर महज 24 गेंदों में 65 रन बना दिए, जहां पर रविंद्र जडेजा ने लगभग 6 छक्के और 14 चौके जड़ दिए। जहां पर छक्के चौकों से बात कर रहे थे रविंद्र जडेजा, जहां पर उनको भी कैच आउट करने का सामना मिला। आप सभी को बता दूं रविंद्र जडेजा, सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद जो दिग्गज खिलाड़ी था, जिसको कहते हैं कि इंडिया टीम की रीढ़ की हड्डी, वो है विराट कोहली। विराट कोहली के आते ही यहां पर मैदान में सनसनी सी मच गई। हर किसी को यही लग रहा था कि विराट कोहली आज जरूर कुछ करके जाएगा, लेकिन विराट कोहली ने कुछ नहीं बहुत कुछ कर दिया। आप सभी को बता दूं कि विराट कोहली ने शुरुआत जब की थी तो सिक्सर से की, पहले ही साउथ अफ्रीका के गेंदबाज की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया, पहले ही बॉल पर सिक्स लगा दिया। यहां पर साउथ अफ्रीका की नींद उड़ गई। साउथ अफ्रीका का अच्छा से अच्छा गेंदबाज इनके सामने पानी भरता हुआ नजर आ रहा था। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को ऐसा ही लग रहा था कि बॉल डालू या ना डालू या छोड़ के भाग जाऊं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहां पर कप्तान रोहित शर्मा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कप्तान रोहित शर्मा भी कंफ्यूज थे कि आखिरकार विराट कोहली कैसे खेल रहा है। ऐसा लग रहा था किसी की आत्मा विराट कोहली के अंदर आ गई, क्योंकि विराट कोहली ने जिस तरीके से पारी खेली उस तरीके से जो युवराज सिंह भी नहीं कभी खेलते हैं। जी हां, विराट कोहली ने एक ओवर में 5 छक्के और 1 चौका जड़ दिया, जहां पर इतिहास में फिर से जो है रिकॉर्ड टूट गया। आप सभी को बता दूं यहां पर विराट कोहली ने काफी खुखार विस्फोटक बल्लेबाजी की, जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विराट कोहली ने महज 127 गेंदे खेली, जहां पर 308 रन बना दिए, आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, आज से 100 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी तक कभी किसी ने भी बल्लेबाज ने ऐसा नहीं कर पाया जो टेस्ट मुकाबले में लगभग 308 रन 127 गेंदों में बना दिए हैं। विराट कोहली की खुखार विस्फोटक बैटिंग देखकर यहां तक क्रिकेट भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी ने भी विराट कोहली को बधाई दी और कहा कि मुझे पता है, मुझे तुम पर भरोसा कि तुम्हारा नाम भी विराट और काम भी विराट है। इतनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी तुमने की, हम तुम्हें दिल से सलाम करते हैं। प्लस जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए। प्लस ये मुकाबला कल होगा और हालांकि ऐसा ही मुकाबला होगा, हमारी भारतीय टीम 100% जीतेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।